तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नू अपने कुर्ब दियां वादियां विच बुलाया। सफे अंबिया नू फरोल के वेखिए ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो लैके ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह करीम ने सारे नबियां नू उन्हां दी ताकत दे मुताबक उन्हां दी शान दे मुताबक मेराज करवाई। पर जदों वारी आई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ते अल्लाह करीम ने अपने महबूब नू महबूब दे मुकाम दे मुताबक मेराज करवाई। सारिआं नू अल्लाह करीम ने मेराज करवाई। किसे दी मेराज पत्थर ते खड़िया हो के वे, किसे दी मेराज कोहे तूर ते वे, किसे दी मेराज दूसरे आसमान तक। ते असी अज उथों आगाज करने आ सब तो पहली मेराज ते सब तो पहले नबी सब तो पहले इंसान इंसानियत दे बाप हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम नू अल्लाह करीम ने कराई। ते आप दी मेराज दा अंदाज कैसा है? अल्लाह करीम ने जदो पैदा फरमा लिया ना ते फरमाया या आदम उस्कुन अंता वज़ौजुकल जन्नत वकुला मिन्हा रगदन हैसु शिअतुमा वला तक़रबा हाज़िही शजरता फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया ए मेरे नबी आदम अलैहिस्सलाम तुसी ते तुहाडी सौजा मोहतरमा जन्नत विच ठहरो। और दूसरी बात ये वे कि अल्लाह करीम ने सब तो पहला जेड़ा इंसान नल खिताब फरमाया वह लफ्ज़े या नल फरमाया, या कह के बुलाया है। अज ते या कहन ते बड़े इतराजात होंदे ने लेकिन अल्लाह करीम ने सब तो पहला खिताब जेड़ा इंसान नू कीता अपने नबी आदम अलैहिस्सलाम नल ते ओ या कह के बुलाया। बल्कि एक जगह ते या नहीं, अल्लाह दा कुरान सुनो किधरे अल्लाह करीम ने फरमाया वनादैनाहु अय्या इब्राहीम قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين। अल्लाह करीम ने नबिया नू आवाजा मारिया किधरे फरमाया ए इब्राहिम, किधरे फरमाया या ज़करिया वमा तिलक बियमीनिक या मूसा या ईसा या ज़करिया या दाऊद। अल्लाह करीम ने अपने नबियां नू या कह के आवाजा दितियां आवाजा मारियां। जे हजरत आदम अलैह सलाम नू या कह के बुलाया, इब्राहिम अलैह सलाम नू या कह के बुलाया, किते या मूसा किते या ज़करिया किते या दाऊद। पर जदों यार दीवारी आई फिर जाविये बदल गए कानून बदल गए। उधर फरमाया ए आदम ए इब्राहिम ए मूसा ए ईसा ए ज़करिया ए दाऊद। जदों यार दीवारी आई फरमाया यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। किधरे फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिलु कुमिल लैल इल्ला कलीला।
किधरे फरमाया अयो हल मुद्दसिरो कुम फांदिरु व रब्बक फकब्बिर, किधरे फरमाया अयो हन नबीया अयो हर रसूल। अल्लाह करीम ने अपने महबूब नू सिफता नाल याद फरमाया। हुन हजरत आदम अलैह सलाम नू हुक्म आया या आदम उस्कुन आता वज़ौजुकल जन्नता वकुला मिन्हा रगदन हैसु शीतुमा। ऐ मेरे नबी आदम अलैह सलाम, तुसी ते तुहाडी ज़ौजा मुहतरमा जन्नत विच ठहरो। या अल्लाह बनाया जमीन वास्ते ही दीवाने हो। अल्लाह फरमांदा इन्नी जाएलुन फिल अर्द खलीफा, मैं खलीफा ते जमीन वास्ते बनाया है। या अल्लाह बनाया जमीन वास्ते सी, जन्नत विच क्यों भेज आई? फरमाया मेरे नबी दी मेराज जन्नत, मेरे नबी दी मेराज जन्नत। फरमाया तुसी ते तुहाडी सौजा मोहतरमा जन्नत विच ठहरो, जो चाहो ओ खाओ। पता है चलिया आदम अलै सलाम दी मेराज जन्नत ताके। हुण अगे चल वारी आ गई जनाबे इदरीस अलै सलाम दी। अल्लाह फरमांदा वज़कुर फिल किताबी इदरीस इन्नहु कान सिद्दीकन नबियाँ वरफअनाहु मकानन अलिया। फरमाया मेरे नबी इदरीस अलैह सलाम नू किताब विच याद करो। सच्चे नबी ने हुण किस तरह बुलांदो ए, अर्ज कीता या अल्लाह मैनू दोजख दा मुशाहदा करवा, मैं तेरा नबी हाँ, ताकि मैं तेरे खौफ तो डरदिया होया तेरी इबादत होर खुशूओ खुजू नाल करा, मैनू दोजख दा मुशाहदा करवा। हुण जदों दोजख दा मुशाहदा कर लिया, फिर अर्ज कीता मौला हुण मैनू जन्नत दा मुशाहदा करवा, ताकि मैं तेरियां नेमतां वेख के तेरा शुक्र गुजार ज्यादा बणा। अल्लाह करीम ने फरमाया मेरे नबी मंग लिया जे असां तुहानू जन्नत दा मुशाहदा करवाने आ। हुण जदों जन्नत विच हजरत इदरीस अलैह सलाम पहुंचे, उत्थे ठंडियां ठंडियां हवावां मिलियां, जन्नती फजावां मिलियां, जन्नती बागात वेखे, जन्नती महल वेखे, जदों नहरां ठाठां मार दियां वेखियां, अल्लाह दा नबी पैंथड़ा मार के जन्नत विच बैठ गया। मलक नसारवान साहब नबी पैथड़ा मार के जन्नत विच बैठ गया। जिमें अज भी कोई चंगी थां ते बैठ जाए उठदा कोई नहीं, उठदा कोई नहीं। चंगी थां ते बैठ ते हर बंदे दा दिल आ वेखो ना, कई बंदे हुण आउंदे ने जुमे च, आउंदे पिछों ने ते मोढ़िआं दे उत्तों दी लत्तां फलान के अगे बहना जी अगे बहना, ते जे अगे बहना होवे ते फिर पहलों आई दा, फिर पहलों आई दा। गर्मी आनी है ना, ते कई कर्मा वालिया मस्जिद पखे तो झगड़ा कर लिया करना, मैं पखा मैं मलिया। पता ये चलिया जिथे चंगी जगह होवे, चंगी जगह ते अगर कोई बह जाए तो फिर उठन ते दिल नहीं करता। अल्लाह दे नबी हजरत इदरीस अलैह सलाम ना बैठ गए जन्नत विच पैंथड़ा मार के। जो चौकड़ा मार के बैठे ना, तो रब फरमाया हुण मेरे नबी की सलाह है तुहाडी। अर्ज कीता या अल्लाह हुण जे लै आंदा ही ते तेरा वादा है जिहड़ा आ जाए फिर वापस नहीं भेजीदा। या अल्लाह तेरा वादा है जिहड़ा आ जाए उहनूं वापस नहीं भेजीदा। फरमाया मेरे नबी जाओ हमेशा हमेशा ली तुसी जन्नत विच बैठ जाओ। सदके जावां ए ते अल्लाह दे नबी ने, लेकिन मुकामे सिद्दीक वेख कारे सौरे, तेरे ते मेरे करीम अबू बकर दी अगोश च सरे अकदस रखे आए। सिद्दीक टिक टिकी लगा के हुजूर दा चेहरा पै वेख देने,
रज रज के हजूर का चेहरा पे वेखते ने आरफा दे सुल्तान हजरत सखी सुल्तान मुहम्मद बाहू रहमतुल्लाह ताला जदों इस मुकाम ते गए ते फरमांदे ने ए तन मेरा चश्मा हो वे मैं मुर्शिद वे ना रजा लूलू दे मुड़ लख लख चश्मा ते मैं एक खोला एक कजा हो इतना डिठिया मैनू सबर नायावे ते मैं होर की दे वल पजा हो मुर्शिद दा दीदार है हजरत बाहू ते मैनू लख करोड़ा है जाहू हजरत मुस्तफा है अख सिद्दीक दी चेहरा रसूल दा टिक टिकी लगा के वेख देने पे वेख दिया ऊंगाई नींदर नहीं आई ऊंगाई अबू बकर सिद्दीक बेदार होए माजाद दे नैणा वाले महबूब फरमाया अबू बकर खैर है केड़ी चीज पिया वेखना से अर्द कीता सोने एक बहुत बड़ा तला है ओदी दूसरी साइड ते बहुत बड़ा फलदार बाग ते तला विच एक कश्ती बान कश्ती लैके खलोता है मैनू आंदा आ जा मेरी कश्ती विच सवार हो जा मेरी कश्ती विच सवार हो जा हुजूर फरमाया फिर अबू बकर तुसा की आख्या है अर्ज कीता सोनिया मैं उनू ए जवाब दिता है जग दी कश्ती दा खेवन हार ते मेरी चोली विच मैं तेरी कश्ती नू की करना है मैं तेरी कश्ती नू की करना है हुजूर फरमाया सिद्दीक जानदे हो कौन सी सोनिया अल्लाह उदा रसूल बेहतर जाने फरमाया रिजवान जन्नत सी अगर तुसी उदी आवाज ते उदी कश्ती विच सवार हो जांदे ना ते फरमाया सिद्दीक तू भी इसे तरह जन्नत विच पहुंच जाना सी बगैर मौत दा जायका चखिया जिमें अल्लाह दे नबी मेरे भाई इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत विच गए ने हुण जरा तवज्जो रखी तेरे ते मेरे करीम आका सारियां दी मिराज किसे दी पत्थर ते किसे दी जन्नत तक किसे दी कोहे तूर तक अरे नजर वालों जरा देखो बुलंदी अपने आका की नजर वालों जरा देखो बुलंदी अपने आका की बैतुल हरम से चले तो खुदा के नूर तक पहुंचे आओ मुसलमानों जरा तवज्जो करे आजे किसे दी मिराज किते किसे दी मिराज किते हुण आ तेरे ते मेरे करीम दी मिराज किथे वे जरा इश्क दी दुनिया विच जाके गल सुने आजे सत्ते आसमान भी उबूर कर ले सिदरतुल मुंतहा भी उबूर कर ली जरा तवज्जो करी किथे हुजूर जा रहे ने जिबरील रुके बुराक थके रफ रफ भी आगे चल ना सके जिबरील रुके बुराक थके
रफ रफ भी आगे चल ना सके। रब ने कहा उदनो मिन्नी, रब ने कहा उदनो मिन्नी, उदनो मिन्नी या खैरुल बरिया। हुजूर फरमांदे ने अगों आवाजा आन लग पईया, उदनो मिन्नी या खैरुल बरिया, उदनो मिन्नी या अहमद, उदनो मिन्नी या मुहम्मद। फिर रब ने कहा उदनो मिन्नी, तेरे कुर्बे खुदा का क्या कहना। मेरा तवज्जो करे अजे तुहाडे ते मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, मैं ला मकान दियां बुलंदियां ते फिर बेनियाज रब दे नाल राजो नियाज दियां गल्लां। जरा तवज्जो ते करी, तेरे ते मेरे करीम आका फरमांदे ने कदी अबू बकर सिद्दीक दी आवाज च इंज लगा जिवें आवाज आई महबूब जरा खलो जाओ तुहाडा रब तुहाडे ते दरूदो सलाम ते भेज लवे। किफ या मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सोनिया दरा रुक जाओ, इन्ना रब्बा का युसल्ली अलैक, सल्ली युसल्ला, सल्ली दा माना युसल्ला दा माना बरकत भी है, सल्ला दा माना रहमत भी है, सल्ला दा माना दुरूद भी है, सल्ला दा माना नमाज भी है। आ हुण जरा तवज्जो करी, रब ने किवें बरकतां किवें रहमतां किवें मेरे आका दे गुलामो दुरूद भेजिया। काबे नू सजदा सब करें, काबे नू सजदा सब करें, काबा भी करदा वेख्या। की करा हुण तुहाडा, तुसी मेरे नाल पढ़ना कोई नहीं है ते ए तोहफे दे तौर ते, ते जदों क्लास ढिली होवे ते फिर उस्ताद कुछ ना कुछ ते करदा ही है, ते मालक ने फिर यह भी अता कर दिती हुण ते ए फिर सुभान अल्लाह ते फिर कढ़ा ही लैणी है, क्योंकि मैं थोड़ी लैके आया। ए सूफी मुख्तार साहब दा बेटा मलक मुहम्मद रफी उन्होंने भेजी है भी ये जरा नाल रखो, जरा तरा भी होवे कुछ। दरह तवज्जो करी आजे, काबे नू सजदा सब करें, काबा भी करदा वेख्या, काबे नू सजदा सब करें, काबा भी करदा, काबे नू सजदा सब करें, काबा भी करदा वेख्या, रब सोने मुहम्मद ते असां दुरूद पढ़दा वेख्या, रब सोने मुहम्मद ते दुरूद भेजदा वेख्या। आओ हजूर दे दीवाने हो, अल्लाह फरमांदा है सोनिया जरा रुक जाओ, तुहाडा रब तुहाडे ते रहमतां बरकतां भेजे। हुण आओ किवें रहमतां किवें बरकतां भेजियां, जरा तवज्जो ते करी। हजूर ओहदे कुरब दियां वादियां विच जाके बैठे, जदों यार यारां कोल आउण फिर गल्लां हुंदियां ने, फिर हाल चाल पुछे जांदे ने। फरमाया सोनिया तुसी जमीन तो ला मकान ते आए हो, हुण राज दियां गल्लां करिए, हुण राज दियां गल्लां करिए, हुण गुफ्तगू दा अंदाज कैसा है जरा तवज्जो करी। अल्लाह करीम ने फरमाया सोनिया की ले आए हो, की मेरे वास्ते की ले आए हो। अर्ज कीता या अल्लाह अत्तहियातो लिल्लाहे वस्सलावातो वत्तय्यिबातो। महबूब ने अर्ज कीता मालिका मैं तेरे वास्ते जिक्र ले आया, तेरा फिक्र ले आया, तेरी तस्बीह ले आया। अगो यार कोल बैठा सी, रब ने महबूब दे कोल ही फरमाया अस्सलामु अलैका, सलामो अलैका अय्योहन नबीओ,
अस्सलाम अलैका आ जाते ने जी जी हाजर होवे उथे सलाम पढ़ी दे जरा तवज्जो करी नबी अगर रब की बारगाह विच होवे ते रब फरमावे अस्सलाम अलैका अय्योहन्ना अस्सलाम अलैका अय्योहन्ना ते हुण उम्मती नूं हुक्म है उम्मती तेरी उदों तक नमाज ही मुकम्मल नहीं होवेगी जदों तक मेरे नबी नाल सलाम ना लवे ते बैठना जो अस्सलाम अलैका अय्योहन्ना बीजो आना शाहजी ने उची उची आफजी पढ़ना एक दिन मुरीद ने पूछया लजपाला इंज क्यों कर दे हुजूर तुसी उची उची पढ़ दे हो आपने फरमाया बेलिया मैं एक दिन इसे तरह पढ़दा सा पिया अत्ताहियात ते बैठा सा मेरे नाना जी ने मैनू ज़ियारत करवा दी हुजूर ने मैनू मुखड़ा विखा दिता हुण मैं रोज इसे इंतजार विच पढ़ना वा कदी नाना फिर तशरीफ ले आवे हुण मैं फिर इसे इंतजार विच पढ़ना वा कदी नाना जी फिर तशरीफ ले आउन दरा तवज्जो ते करी अल्लाह फरमाया अस्सलामु अलैका अय्योहन नबीयो ऐ मेरे नबी तुहाडे ते सलाम होवे व रहमतुल्लाह व बरकातहु तुहाडे ते रहमतां होण अल्लाह दी तरफों तुहाडे ते बरकतां होण तेरे ते मेरे करीम आका ने अर्ज कीता या अल्लाह मेरे नाल ते सलाम भी है मेरे ते तेरियां रहमतां भी ने मेरे ते तेरियां बरकतां भी ने या अल्लाह मेरी उम्मत गुनाहगार थले वे मेरी उम्मत गुनागार थले वे मेरी उम्मत दा की बनेगा फरमाया सोनिया मैं तुहानू तोहफा नमाज दा देवांगा जदों तुहाडे उम्मती नमाज च बैठणगे ते तुहाडा उम्मती मेरा मोमिन बंदा जदों अत्ताहियात च बैठेगा ते ओनू भी कहांगा अस्सलाम अलैना वाला इबादिल्ला सालिहीन महबूबा जिथे तुहानू सलाम है तुहाडे उम्मतियां नू भी सलाम होवेगा महबूबा सलाम अलैना वाला इबादिल्ला सालिहीन महबूबा जो कह देवे असा मोड़नी नहीं महबूबा जो तमन्ना है जो दिल करदा सोनिया जो आख देवे असा मोड़नी नहीं अज अरशाते बैजा चुप करके महबूबा राजो न्याज दियां गल्लां हुण दरा तवज्जो ते करी इधर रब दे फरिश्ते भी इंतजार च सन के महबूब कदों तशरीफ ले आणगे रब दे दीदार तो वापस अल्लाह दे नबी भी इंतजार च सन 90,000 गल्लां होईयां गुफ्तगू होई इंज भी मिलदा है आप फरमाते ने उथे खान पीन भी होया हाथ नमूदार होया सोनिया हाथ तो अल्लाह पा के ओते वजूद तो पा के फरमाया मैनू इंज लगदा सी हाथ जिवें मेरे वीर अली दा है इंज लगदा है जिवें हाथ मेरे वीर अली दा जरा तवज्जो ते करी किधरे आवाज सिद्दीक दी हाथ अली दा ए ते सोने दी मर्जी है हुण जरा तवज्जो करी अलामा अब्दुल रहमान सफूरी रहमतुल्लाह ताला ले नुजहतुल मजालस दे अंदर एक बड़ा प्यारा वाकया लिखिया है आप कहंदे ने एक फरिश्ते ने अर्ज कीता या अल्लाह मैनू परवाज दे मेरे बाजुआं विच ताकत दे मैं तेरे अर्श दी सैर करां तेरा अर्श किन्ना कु वड्डा है सुनो गल जरा फरिश्ते अर्ज कीता या अल्लाह मैनू ताकत दे अलामा अब्दुल रहमान सफूरी लिखदे ने अल्लाह करीम ने उन्हूं 10,000 साल उड्डन दी ताकत दित्ती
हजार साल उड़दा रहा, जो थक गया ते बैठ गया ते अर्ज करदा या अल्लाह तेरा अर्श तेरा मुक गया है। फरमाया नहीं नहीं मेरा अर्श नहीं मुकया, तेरी ताकत मुक गई आ, तेरी ताकत मुक गई है। अर्ज कीता या अल्लाह मैनू फेर ताकत दे, मैं होर परवाज करा। फिर रब करीम ने ताकत दिती, 10,000 साल फिर उड़िया। 10,000 ते 10,000 किन्ने हो गए, 20,000 साल उड़ के फिर फरिश्ता बैठ गया। अर्ज कीता या अल्लाह तेरा अर्श मुक गया है। फरमाया नहीं अर्श नहीं मुकया, तेरी परवाज खत्म हो गई है, तेरी ताकत मुक गई है। या अल्लाह मैनू होर ताकत दे। फिर अल्लाह करीम ने ताकत दिती, 10,000 साल फरिश्ता फिर उड़िया। 20 ते 10, 30,000 साल उड़दा रहा। अगे एक मकान वेख्या, अर्ज कीता या अल्लाह ए कोठा की दे, थक के बैठ गया। या अल्लाह ए तेरे महबूब दा कोठा है। हाथ फे गए, बीचो आवाज आई, फरिश्ते ए तू ते अजे मेरे महबूब दे पहले यार सिद्दीक दे कोठे तक पहुंचया है। यार दी वारी ते बाद जाएगी। अल्लाह अकबर। ते फिर इथे ए गल कहनी पैनी है, मेराज सिराज मोहब्बतां वाला, जेड़ा किसे दी समझ विच नहीं सी आउण वाला। सद्या तालब ते मतलूब गया, जिब्राइल सी सद ले जान वाला। बाजे आख दे बिना दरवाजियां दे किवें गया अरशां ते जान वाला। नासर साडी अकल नू दखल की ओथे जाने जान वाला, या ले जान वाला। बल्कि एक गल होर सुन, एक बुजुर्ग गुजरे ने हजरत शेख अबुल हसन रफाई रहमतुल्लाह ताला, जिन्होंने परवाज करदियां करदियां 7,000,000 अर्श उबूर कर ले। अर्श एक नहीं गा, लखां अर्श ने हेठ उते 7,00,000 अर्श उबूर कर ले। ते अर्ज कीता या अल्लाह ओ अर्श किथे वे, जिथे तेरे महबूब दे कदम लगे ने। हाथ फे गैबी चो आवाज आई, अबुल हसन रफाई उथो तक नहीं तू जा सकता, पिछा मुड़ जा, भावे लखा साल भी इबादत करता रहे, लखा साल परवाज करता रहे, ओ मकाम मेरे महबूब दा, ओ मकाम मेरे महबूब दा, ओ मकाम मेरे महबूब दा। आओ हुजूर अली सलातू सलाम दे गुलामो जरा तवज्जो करिया जे, एवें नहीं मेरे आला हजरत ने कमाल का दिता। फरमांदे ने के खलक से औलिया, औलिया से रसूल सब रसूलों से आला, भी सब रसूलों से आला। नबी सबसे बाला मारा नबी। तो आओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पिछले जुमे में अर्ज किया सी कि रब फरमाया महबूब नमाजा लै जाओ, किनिया 50 नमाजा, किनिया लै जाओ 50। इत्थे बड़िया गल्लां सुन वास्ते मिलदियां ने, ते साडे सादा लाओ दोस्त जिहड़े ने फिर भटक जांदे ने भी गल खरे इंज ही है। आंदे जे पता हुंदा ते सरकार क्यों इंज करदे, जे पता हुंदा ते हजूर इंज क्यों पुछदे।
रब ते हर चीज ते कादर है, दिलां दे भेत जानन वाला, उन्हों नहीं सी पता पंजाब पढ़िया ही नहीं जानिया, लेकिन उन्हें दितियां क्यों दितियां? इस वास्ते कि हजरत मूसा अलैहि सलाम भी मुद्दतां तो दुआ कर रहे सन, या अल्लाह जे मैं ते तेरा दीदार नहीं कर सकिया ते हुण ओदा ही दीदार करवा, बार बार मैनू जेड़ा तेनू वेखे, रफ रफ सी ते फिर बाकी नवां चक्रां विच कौन सी? पता ए चलिया जिथे हजारां लखां करोड़ां बराकां दीआं ताकतां खत्म हो जाण उथे नबी दी परवाज दा आगाज हुंदा है, उथे नबी दी परवाज दा आगाज हुंदा है। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाजा लैके आए, बुखारी शरीफ विच दस दस घटियां एक फेरे, उहदे विच पंज फेरे बनदे ने। मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि पांच पांच घटियां, उलमा फरमाते ने बुखारी शरीफ की रवायत नालों मुस्लिम शरीफ की रवायत ज्यादा मुस्तनद है मौत बारे, क्योंकि उहदे विच सरकार दे फेरे अल्लाह करीम की बारगाह विच ज्यादा ने, अल्लाह करीम की बारगाह विच फेरे ज्यादा ने। दरा तवज्जो करी, मूसा अलैहि सलाम ने अर्ज किया हुजूर घटा लो, बार बार जांदे रहे सरकार, फिर पांच रह गईयां, किन्नियां रह गईयां? पांच रह गईयां। हुण मूसा अलैहि सलाम ने फिर आख्या हजूर फिर चले जाओ, पर साडा पाकिस्तान का मुसलमान अज भी विचों आंदा जे कि हजूर रब दे कलीम दे आखे लग ही जाते हो तो गल मुक ही जानी सी, लेकिन आदरत वजो ते करी तेरे ते मेरे करीम ने फरमाया हुण मैनू रब दी बारगाह विच जांदियां हया आउंदी ए। आदरत वजो करीम आंदे ने जान दा जिक्र आउण दा कोई नहीं, हुजूर थल्ले आए, अल्लाह फरमांदा वन नजमी इदा हवा, मैनू मुहम्मद तारे दी कसम है जेड़ा मेराज दी राती आसमाना तो थल्ले उतरिया, जड़ा ला मकान दियां बुलंदियां तो थले उतरिया, मैनू तारे दी कसम है। हुण नजम दा माना तारा भी है, जरा तवज्जो करी, नजम दा माना जड़ भी है असल भी है, जरा तवज्जो ते करी, जड़ हुजूर ने कायनात दी शाखां सारियां कायनात है। हुण जरा तवज्जो करी, जदों जड़ दा ताल्लुक कायनात नाल रिया ते कायनात भी हशाश बशाश रही, लोग जागते रहे, जदों जड़ उतां चली गई कायनात सौ गई, कायनात सौ गई, क्योंकि जड़ नालों दरख्त दा ताल्लुक कटिया जाए शाखा मुरझा जांदियां ने, जदों जड़ नाल ताल्लुक होवे शाखा तरोताजा रहिंदियां ने, फलां फुलां विच मिठास ते खुशबूआं रहिंदियां ने। आशको जदों उत्तों हुजूर अली सलातू वसलाम वापस आए, फिर कायनात दा ताल्लुक जदों जड़ नाल जुड़िया, ताइए ते उलमा फरमाउंदे ने सरकार आए, बिस्तर गर्म सी, पानी चलदा सी, कुंडी हिलदी सी, बिस्तर गर्म सी, पानी चलदा सी, कुंडी हिलदी सी, क्यों के हुजूर जान ने जहान दी, जदों जान जिसम विचों निकल जाए जिथे हाथ रुक जाए उथे ही रुक जांदा, जिथे पैर रुक जाए उथे ही रुक जांदा, जिथे अख कन रुक जाए उथे ही रुक जांदे ने। रूह निकल रही होवे ना ते हर बंदा भज के आउंदा, ओ बाबे उहनां दीआं लत्तां सिद्धियां करो मुड़ के नहीं जे होणियां, इहनां दे हत्थ सिद्धे करो फिर दुबारा नहीं जे होणे, क्यों कि रूह जिसम विचों निकल जानी है, जिथे जिथे अजां खलो गया उथे उथे खलो जाने। आ मेरे करीम आका दे गुलामा, जदों जान उतां गई पानी भी रुक गए, टैम दियां घड़ियां भी रुक गईयां, सूरज चन्न दा निजाम भी रुक गया, हर शै रुक गई, जदों हुजूर टुरे पानी चल रिया सी उथे ही रुक गया। सरकार तशरीफ लियाए, फरमाया गुलामो कुंडी हिलदी सी, दरवाजे दी कुंडी हिलदी सी, पानी चलदा सी, बिस्तर बिस्तर गर्म सी, बिस्तर पर तुसी सुन के अजे भी गर्म नहीं होए,
बिस्तर गर्म सी पानी चलदा सी कुंडी हिलदी सी क्योंकि जान वापस आई पहला जान चली गई जहान दा निजाम रुक गया जान आ गई उस सूरत नू मैं जाना खां उस सूरत नू मैं जाना खां जाना खां के जान जहाना खां सच आखां ते रब दी मैं शान शान आखां इस शान तो शाना सब बनिया हुण आओ हजूर वापस तशरीफ लिया है सवेरे गुलामा विच ऐलान कीता मेरे गुलामो मैं रातों रात गया वा नबिया नू नमाज पढ़ाई है मैं हर चीज नू वेखिया ला मकान दियां बुलंदियां ते गया नमाजा ले आया मक्के दे लोगां रौला पा दिता अबू जाल सिद्दीक दे दरवाजे ते आखन लगा कि जे कोई आखे मैं रातों रात गया मस्जिद अक्सा विच नमाज पढ़ाई है सत्ते आसमान मैं वेखे ने जन्नत दोजख वेखी है मैं अरशां दी सैर करके आया मन लेंगा फरमाया जे कोई आखे ते नहीं मनदा उन्हें आख्या फिर तेरा नबी आंदा है फरमाया चलिया यही ते फर्क है जे मेरा नबी आखे ते फिर सिद्दीक एक सेकंड भी नहीं लाउंदा उसे वेले मन जाएगा फरमाया जालमा ए ते मेरे नबी ने आख्या कदी मेरा नबी फरमावे मेरा रब मेनू मिलना आया है अबू बकर फिर भी मन जाएगा हुण गुलाम हजूर दे कोल बैठे काफरां ते इनकार कीता गुलामा अर्ज कीता सोहणिया की वेख्या जे तेरे ते मेरे करीम ने हजरत हारस बिन नुमान नू फरमाया हारस मैं जदो जन्नत दे दरवाजे विच गया ना ते मैनू जन्नत विचों कुरान पढ़न दी आवाज आ रही सी जन्नत विचों आ बस मुकम्मल कर लगा जन्नत विचों कुरान पढ़न दी आवाज आ रही सी हुजूर फरमांदे ने मैं हैरान होया मैं ते अजे जन्नत विच गया ही नहीं एक कौन है जेड़ा जन्नत विच बह के कुरान पे पढ़द आप फरमाते ने हारस मैं जदों गया ना ते मैं ध्यान मारिया ते महल विच तू बैठा सें तेरी आवाज सी हारस बिन नौमान तेरी आवाज सी पुछिया जिबरील अमीन कोलो जिबरील ए हारस ते मेरा गुलाम है मेरा सहाबी है इत्थे बैठ के कुरान पिया पढ़द जिबरील अमीन ने अर्ज किया सोने नौकर ते तुहाडा है पर मापिया का बड़ा ही ताबेदार है ये मापिया का ताबेदार है मां की खिदमत करद अबे की खिदमत करद ते मापिया के खिदमत के सिने विच अपने नू जन्नत विच कुरान पढ़न दी ताकत अता फरमाई है मापिया का अदब करने वाले हुजूर फरमाया जन्नत विच भी रब दा कुरान पढ़न गए हुण अगली गल सुन आपने हजरत फरूक आजम नू फरमाया उमर मैं तेरे महल दे करीब गया बड़ा ही सोहना महल सी मैं लगा अंदर पैर रखन लेकिन तेरे जाहो जलाल की वजह तो मैं आख्या मेरा उमर बड़े जलाल वाला है ते फरमाया मैं कदम अंदर नहीं रखिया हजरत फरूक आजम दियां अखां चो अथरू जारी हो गए सोहणिया मेरे जाहो जलाल एक पासे ए सारा कुछ ते तुहाडे सदके नाल अता होणा है ते हजूर ए ते तुसीं अगर कदम रंजा फरमा देंदे ते मेरे महल विच होर बरकतां हो जांदियां जरा तवज्जो ते कर लेकिन सरकार ने जजावां भी वेखियां सजावां भी वेखियां कुछ ऐसे बंदे सरकार ने जहन्नम विच वेखे जिन्हां दे पेट बड़े वधे ने फरिश्ते थौड़े मार मार के थले कर देन फिर बढ़ जांदे ने जिबरीले अमीन कोलो पुछया जिबरीले कौन ने सोणिया ताडी उम्मत दे ओ लोक ने जिहड़े हराम हलाल की पहचान नहीं करदे जो आया खाई आए जो आया दगड़ी मगड़ी आए एक ग्रोह हजूर ने वेख्या जिन्हां दे सर थौड़िया दे नाल तोड़े जा रहे ने जदों पिस जाते ने फिर उस तरह ही साबत खड़े हो जाते आपने फरमाया ये कौन ने हजूर ये तो उम्मत दे बेनमाज ने
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਤ ਦੇ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਨੇ ਮਿਰਾਜ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਮੋ ਮੈਂ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਲਾ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਲਤੀਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਨੇ ਉਮਤ ਦੇ ਅਹਵਾਲ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਉਮਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਉਮਤਿਓ ਮੈਂ ਨੇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬੁਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਰਾਜ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਦੱਸੀ ਬਲਕਿ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਖਤੂਨ ਜਹੰਨਮ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਐਸੀ ਇੱਕ ਖਤੂਨ ਜਹੰਨਮ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਬੜੀ ਪਾਰਸਾ ਬੜੀ ਨੇਕ ਜਿਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਬਰੀਲ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਤ ਦੀ ਉਹ ਖਤੂਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਤਸਬੀਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਦਗੜਨ ਮਗੜਨ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਭੁੱਖਿਆਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਮੀਨਗੀ ਦੀ ਹੱਦ ਬਿੱਲੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਰਪਾਈ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਛੱਡਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਇਹਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਹੰਨਮ ਰਸੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਬਰੀਲ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਸੌਮੋ ਸਲਾਤ ਤੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਵਕਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਜ਼ੇ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੱਲੀ ਤਸਬੀਹ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਆਸਾ ਮੌਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਇਹਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਲਿਆ ਤੇ ਚੁੱਲੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਅਮਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੰਨਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਨ ਰੱਬ ਜੰਨਤ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਤੇ ਕਰੀਏ ਮਿਰਾਜਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਵਾ ਆਖਿਰ ਦਾਵਾ ਯਾ ਅਨਿਲ ਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ।